उसके दोनों हाथ नहीं है फिर भी उसने ऐसा तीर चलाया कि दुनिया देखती रह गई और बना दिया अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड। 27.5 किलो के धनुष को एक पैर से उठाया, मुंह से ट्रिगर दबाया और छोड़ दिया तीर निशाने पर। देखने वाले दंग रह गए। 16 साल की वो लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी बना दिया अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड और जीत लाई भारत के लिए मेडल। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत सच साबित कर दिखाई एक 16 साल की लड़की ने, जिसके बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज बिना हाथों के भारत के लिए मेडल जीत कर लाई। देखती रह गई दुनिया। ये कहानी है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईधर गांव की रहने वाली शीतल देवी की, जिन्होंने तीरंदाजी के खेल में अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल किया, वो भी बिना हाथों की। 16 साल की शीतल खेल की शासी निकाय विश्व तीरंदाजी के अनुसार वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली बिना हाथों वाली पहली महिला तीरंदाज है। इस सप्ताह उन्होंने हांगजो में एशियाई पैरा खेलों में 2 पदक जीते और देश का नाम रोशन कर दिया। लेकिन जब वह हाथों की जगह अपने पैरों से तीर छोड़ती है तो लोगों की निगाहें बस उसी पर टिकी रहती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि जो काम लोग हाथों से नहीं कर पाते उसे वह लड़की अपने पैरों से करती है। दरअसल वह अपने दाहिने पैर से 27.5 किलोग्राम के धनुष को पकड़ती है, इसके बाद इसे बैलेंस करती है, फिर अपने दाहिने कंधे से जुड़े एक मैनुअल रिलीजर का उपयोग करके स्ट्रिंग को पीछे खींचती है। इसके बाद अपने मुंह में रखे ड्रैगन नामक उपकरण का प्रयोग करके तीर को 50 मीटर दूर लक्ष्य बसाती है। खास बात यह कि वह पूरे समय अपने बाएं पैर के बल सीट पर खुद को सीधा रखती है। बता दें, शीतल का जन्म फोको मेलिया बीमारी के साथ हुआ। यह एक दुर्लभ जनजात विकार है जिसके कारण अंग अविकसित रहते हैं, यानी कि विकसित नहीं होते। शीतल ने बताया कि जब उन्होंने शुरुआत की तो धनुष को ठीक से उठा भी नहीं पाती थी, लेकिन कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद यह आसान हो गया। उन्होंने आगे कहा कि उनके माता पिता को हमेशा उन पर भरोसा था, केवल एक चीज जो उन्हें पसंद नहीं आई वह थी लोगों के चेहरों पर वह भाव, जो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास आर्म्स नहीं है। वो कहती है कि पदक सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। हांगजू में शीतल ने सरता के साथ जोड़ी बनाते हुए महिला टीम में रजत पदक जीता, जबकि राजेश कुमारी के साथ मिश्र टीम ने स्वर्ण पदक जीता। ब्यूरो रिपोर्ट।